Hello everyone, this is Vipin here. I am again came back with my new video on our channel Educational Hike, and in this particular video I am going to explain the chapter 2nd Geography class 8, okay, part 2nd. Okay, so let's start the video. देखिए मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट फर्स्ट अपने चैनल एजुकेशन हाइक पे अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने काफ़ी क्लास एट के स्टूडेंट से देखा भी है और पसंद भी किया, लाइक भी किया, ठीक है। तो ये उसी पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट सेकंड है जो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स कवर किया था और पार्ट सेकंड्स में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, फिर पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ तक इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के पहले सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए जो कि पार्ट फर्स्ट में है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और पार्ट सेकेंड जो है उसमें हम लैंड से रिलेटेड और सॉइल से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक जो इस पर्टिकुलर वीडियो का है वो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ओके, अब देखते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना या उसको इकट्ठा करना, मतलब किसी चीज़ को हमें बचाना। अब यहाँ पे किसको बचाने की बात की जा रही है, यहाँ पे बचाने की बात की जा रही है लैंड को। आप सबको पता है ना कि लैंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सभी कहाँ परफॉर्म करते हैं, लैंड पे। दैट्स व्हाई लैंड आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, तो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, आइए जानते हैं। देखिए टॉपिक यहाँ पे क्या दिया गया इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड्स एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग हिज नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए ये कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है तो लोग रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, बहुत ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रहे हैं कि वो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है, और लोगों की जब डिमांड बढ़ रही है तो वो बहुत सारे अरेबल लैंड्स को, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके, अब देखिए अरेबल लैंड्स किसे कहते हैं। अरेबल लैंड्स का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन। ओके, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some of the common method to use conserve lands. ठीक, देखिए ये कुछ कॉमन इसने क्या कहते हैं मेथड्स बताए हैं जिससे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं लैंड को क्या कहते हैं डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। जो हमारा लैंड है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो बहुत सारी चीज़ों से क्या कहते हैं डिग्रेड हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो हम उन चीज़ों को बचा सकते हैं इन कंजर्वेशन मेथड से। ठीक, देखो डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मेन रीज़न है लैंड के डिग्रेड होने का। इसके बाद क्या कहते हैं जो केमिकल वेस्ट हम डंप कर देते हैं हमारे लैंड्स पे वो भी एक बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके लैंड के डिग्रेड होने के बीच पीछे। सेकंड थिंग माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, ठीक है, और ओवर यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बिहाइंड द डिग्रेडेशन ऑफ अवर सॉइल रिसोर्सेज। ठीक, तो सॉइल रिसोर्सेज को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, लैंड्स को क्या कहते हैं लैंड्स का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के यूज से बचना चाहिए, ओवरग्रेजिंग से बचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज ना करें, फर्टिलाइजर्स की जगह आप क्या कहते हैं मैन्योर्स का यूज़ करें। ओके, तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड के बारे में दिया गया, थोड़ा सा हम लैंडस्लाइड को पढ़ के समझेंगे, ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ये एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर है। अब ये है क्या थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिज ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप। आपको पता है लैंडस्लाइड कहाँ पे होता है? लैंडस्लाइड मोस्टली उन पर्टिकुलर एरियाज में होता है जो आपके हिली रीजन्स होते हैं। हिली रीजन्स के एरियाज में लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा पानी बरसने के कारण या कभी उस क्षेत्र में अर्थक्वेक वगैरह आया हो, तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण क्या कहते हैं जो अर्थ के इंटरनल में जो डिस्टर्बेंस होता है उसी के कारण आपके हिली रीजन्स में लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को भी मिलता है। ठीक, अब देखिए ये डिज़ास्टर कब बनता है। सपोज करिए लैंडस्लाइड एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, तो क्या ये डिज़ास्टर होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस, ऐसा पर्टिकुलर हिली एरियाज जिसके क्या कहते हैं स्लोप डाउन पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जब लैंडस्लाइड होता है तो उससे उन लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस बढ़ जाता है, तब इस कंडीशन में इसको डिज़ास्टर कहते हैं। ठीक, तो देखिए मैं एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एग्जांपल के बेसिस पे आपको लैंडस्लाइड समझाता हूँ, हमें और इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड एक मास मूवमेंट है रॉक और डेब्रिज का जो अर्थ के डाउन स्लोप में होता है। ठीक, और मोस्टली लैंडस्लाइड्स, मोस्टली क्या, आप पूरी तरीके से लैंडस्लाइड देखोगे तो वो हिली रीजन्स में ही होता है। ठीक, अब चलते हैं एक केस स्टडी पढ़ के हम जानते हैं लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा सा। और अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रेंगकॉन्ग पियोंग इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। आपको पता ना चाहिए कि एक बार आपके क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पंजी विलेज में एक बार लैंडस्लाइड हुआ था, जो नेशनल हाईवे 22 था उसको पूरी तरीके से क्या कहते हैं उसका 200 मीटर दूरी को लैंडस्लाइड ने डैमेज कर दिया था। तो सोचिए लैंडस्लाइड के होने से वो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 200 मीटर तक डिस्ट्रॉय हो गया था, और उससे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं आने जाने वाले लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होगी। ओके, तो लैंडस्लाइड भी एक प्रकार का डिज़ास्टर होता है और नेचुरल डिज़ास्टर होता है। ये होता है आपके क्या कहते हैं बहुत अधिक पानी बरसने के कारण, सॉइल इरोजन के कारण, और उसके बाद अर्थक्वेक के भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस से ये चीजें होती हैं। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्स बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। देखिए हाँ, ब्लास्ट के कारण भी होता है। ये बता रहा है कि ये लैंडस्लाइड जो हुआ था वो पंजी विलेज में कोई बहुत ही इंटेंस ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के कारण क्या कहते हैं हिली एरियाज में डिस्टर्बेंस हुआ, और हिली एरियाज में डिस्टर्बेंस होने के बाद फिर वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। Due to blasting, the weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. देखिए ब्लास्टिंग के कारण जो हिल एरियाज का वीक जोन था उस वीक जोन में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी रोड, नेशनल हाईवे 22 200 मीटर्स तक डैमेज हुई थी। ओके, द पंजी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेंट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। लेकिन कोई भी क्या कहते हैं वहाँ पे लाइफ का क्या कहते हैं लॉस नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी नेशनल हाईवे क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय हो गया था 200 मीटर तक। ओके, अब लैंडस्लाइड के मिटिगेशन, बचाव, क्या क्या बचाव के कारण है लैंडस्लाइड के, थोड़ा सा इसको हम इस पर फोकस करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे ध्यान देते हैं। ओके, देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स वॉज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज्ड लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। ठीक, देखिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई हमको ये चीज़ें भी पता चल गई कि लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर्स को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, उन टेक्निक्स, उन साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से हम किस तरीके से लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर्स को क्या कहते हैं टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आइए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करते हैं। ओके, पहला, हैजार्ड मैपिंग लोकेटेड एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। सबसे पहले हमको ये पता करना चाहिए कि जो हिली एरियाज हैं उन हिली एरियाज में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पे लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक, ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिटिगेशन मैकेनिज्म ऑफ लैंडस्लाइड का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको ये फोकस करना है, ये ध्यान में रखना है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें बिल्डिंग सेटलमेंट जैसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, अगर बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो उससे उन पर्टिकुलर एरियाज में लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, सेकेंड थिंग,
कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंडस्लाइड फ्रॉम स्लीपिंग। अब देखिए बगल में एक फिगर दिया गया है, ये रिटेंशन वॉल बनाई जाती है कहीं जहां 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 पर लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज में, ऐसे हिली एरियाज मतलब जो हिल का डाउनवर्ड स्लोप होता है, हिल के डाउनवर्ड स्लोप पे रिटेंशन वॉल्स बना दिए जाते हैं ताकि अगर लैंडस्लाइड होता भी है तो वो आपके रूट्स वगैरह को डैमेज ना कर सके, जिससे आपके लाइफ वगैरह के भी डैमेज होने के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ओके, द थर्ड टॉपिक, इंक्रीज इन दी वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अगर आप क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं ज़्यादा हिल एरियाज बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाएंगे तो वो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड को कंट्रोल करेगा। कैसे? सपोज करिए आपने किसी हिल एरियाज में बहुत ज़्यादा एफॉरेस्टेशन किया है तो उसकी जो रूट्स होंगी उन ट्रीज की जो रूट्स होंगी वो सॉइल्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखेंगी, उन पर्टिकुलर एरियाज में आपके हिल एरियाज की होल्डिंग कैपेसिटीज बढ़ जाएगी जिससे लैंडस्लाइड के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। देखिए हिल एरियाज में ना आपको एक ड्रेनेज पैटर्न बना देना चाहिए कि अगर पानी बरसा और वो हिल एरियाज के ऊपर से नीचे बह रहा है तो वो उसी ड्रेनेज पैटर्न से बह के नीचे है, मतलब उसी नाली वगैरह से या उसी ड्रेनेज पैटर्न से बह के वो नीचे है। ठीक है, ऐसा करने से भी लैंडस्लाइड के चांसेस को रोका जा सकता है। सपोज करिए आपने ड्रेनेज पैटर्न नहीं बनाया और पानी बरसा और वो पूरे पहाड़ पूरे हिल एरिया से बह के नीचे आ रहा है तो वो क्या करेगा, सॉइल को इरोड करेगा और जब सॉइल को इरोड करेगा तो ट्रीज की रूट्स क्या कहते हैं वीक हो जाएंगे जिससे लैंडस्लाइड के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें हिल एरियाज में एक पर्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न को भी बनाना चाहिए ताकि लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर्स को रोका जा सके। ठीक, तो आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड टूडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सॉइल। आइए हम जानते हैं सॉइल क्या है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देंगे। ठीक, आइए, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल। ठीक, देखिए आपके अर्थ का आपके अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं सॉइल। सॉइल एक थिन लेयर होता है और यहाँ पे क्या कहते हैं हम बहुत सारे ग्रेनी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। सॉइल एक आपका ऐसा अपर मोस्ट लेयर है जो आपके ज़्यादातर ग्रेनी सब्सटेंस को कवर करता है। ठीक, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग फोकस करिएगा कि जो सॉइल्स होती हैं पूरी तरीके से किस पे डिटरमाइन करती हैं, लैंड फॉर्म्स पे। मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड भी हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटेज, वैलीज, प्लेन्स, बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। तो जब आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे आप जाएंगे तो आपको सॉइल्स भी जो मिलेगी वो अलग अलग होगी सभी पर्टिकुलर प्लेसेस पे, सभी पर्टिकुलर लैंड ऑफ फॉर्म्स पे, फॉर्म ऑफ लैंड पे सॉरी, आपको एक प्रकार के सॉइल्स नहीं मिलेंगी। ओके, जो सॉइल्स होती हैं वो सभी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे अलग अलग देखने को मिलती हैं। माउंटेनस एरियाज में आपको जो सॉइल्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी उनमें होती है, प्लेन एरियाज के सॉइल्स में भी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, इसके बाद प्लेटू एरियाज में आपको ब्लैक सॉइल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि जो सॉइल्स होते हैं वो सभी जगहों पे एक नहीं होते हैं। क्यों? ड्यू टू कॉज ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स पे ही पूरी तरीके से ये डिटरमाइंस करते हैं। ओके, अब आते हैं सॉइल के बारे में, सॉइल बनता कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सॉइल बनता कैसे। तो देखिए सॉइल के फॉर्मेशन में 1 सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में 100 ईयर्स लग जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 1 सेंटीमीटर सॉइल को अपने आप नेचुरली फॉर्म होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सॉइल को भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन के एक्टिविटीज हम करते हैं, जितने भी ग्रेनी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं ग्रो करते हैं, वो सब कहाँ पे होते हैं, सॉइल्स पे। ठीक, आगे, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। सॉइल बना किसका है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, सॉइल आपके बना है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और बहुत सारे वेदर्ड रॉक्स जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सॉइल किसका बना हुआ, तो आप बता देना सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन दी अर्थ। हमारे अर्थ पे जो वेदर्ड रॉक पाए जाते हैं, जो मिनरल्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इन सभी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हमारा सॉइल। ठीक, अब बगल में देखिए एक ग्लॉसरी दी गई है, क्या कहते हैं वेदरिंग की, द ब्रेकिंग अप एंड डिकेइंग ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। ठीक है, कह रहा है कि जो रॉक्स होते हैं
रॉक्स क्या कहते हैं, टेम्परेचर की वजह से, इसके बाद फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, जब उनमें कोई चेंजेस आते हैं उस पर्टिकुलर चीजेस में ब्रेक डाउन होता है और जब चेंजेस आते हैं तो उसको, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। This happens through the process of weathering. The right mix of mineral and organic matter make the soil fertile. ये बहुत important line है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी soil fertile क्यों होता है? कोई भी soil fertile इसलिए होता है जब उसमें balance proportion में या right mix में आपके mineral और organic matter पाए जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे soils होते हैं जहाँ पे आपके rocks particles बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो क्या आप उन पर्टिकुलर सॉइल्स को कहेंगे कि वो बहुत फर्टाइल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉक्स पार्टिकल ज़्यादा हैं, वहाँ पे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं है। जिन आपके जिन सॉइल्स में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, वो सॉइल्स आपके मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया है, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, सॉइल प्रोफाइल में ये बता रहा है चार प्रकार की लेयर्स हैं सॉइल में। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो सबसे टॉप सॉइल है वहाँ पे बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और वो वेजिटेशन के लिए बहुत सुटेबल है। सेकंड लेयर आपकी है सब सॉइल विद सैंड स्लीट एंड क्ले। सेकंड लेयर जो आपकी सॉइल की है वहाँ पे सैंड स्लीट और क्ले बहुत हैं। थर्ड सॉइल आपकी जो है वहाँ पे वेदर रॉक बहुत हैं। और फोर्थ सॉइल जो आपकी है वहाँ पे पेरेंट्स रॉक बहुत हैं। तो ये आपके सॉइल प्रोफाइल था, फिगर में बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। प्लीज़ आप लोग इस फिगर को ध्यान रखिएगा कि देयर आर फोर प्रोफाइल्स ऑफ सॉइल। ठीक, सबसे फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। फर्स्ट लेवल में आपके टॉप मोस्ट सॉइल हैं जिसमें क्या कहते हैं ह्यूमस कंटेंट्स या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हैं और वो पर्टिकुलर सॉइल आपके वेजिटेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। सेकंड लेयर में आपके सैंड स्लीट और क्ले पाए जाते हैं। थर्ड लेवल में आपके वेदर्ड रॉक्स हैं और फोर्थ लेवल में आपके पेरेंट्स रॉक हैं। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के पीछे, मतलब उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो उन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो आइए हम उन फैक्टर्स को जानते हैं जिन फैक्टर्स की मदद से आपके सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फोकस करिएगा। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। ठीक, देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर बता रहा है, एक आपका क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरा आपके पेरेंट्स रॉक। नेचर का जो पेरेंट्स रॉक है एक वो फैक्टर हो गया, दूसरा आपका क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया। ठीक, ये दो मेन फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के बीच में, और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, कुछ अदर फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, सॉइल का फॉर्मेशन सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता, ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है कि सॉइल्स का फॉर्मेशन सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी जगहों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो लैंड फॉर्म्स होता है, क्या वो सब एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। सभी पर्टिकुलर प्लेसेस का क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें बहुत डिफर होती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, आपके सॉइल का फॉर्मेशन भी सभी जगहों पर एक जैसा नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ये फिगर दिया गया फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ठीक, इस फिगर्स को ही अगर आप लोग एक बार ध्यान दे दोगे, पढ़ लोगे ध्यान से इस फिगर को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के पीछे हैं। ठीक, तो ध्यान देते हैं। पहला आपका पेरेंट्स रॉक, दूसरा रिलीफ फीचर्स, तीसरा फ्लोरा फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा आपका टाइम और पांचवा आपका क्लाइमेट। ये पांच फैक्टर्स आपके ऐसे हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के पीछे हैं। ठीक, इन्हीं पांच फैक्टर्स के बेसिस से आपके सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और ये पांचों फैक्टर्स सभी जगहों पे एक जैसे नहीं होते हैं। प्लेस टू प्लेस ये पांचों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है, क्या सभी जगहों पे मिनरल्स एक जैसे, मिनरल कंटेंट्स एक जैसे होते हैं? क्या सभी जगहों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है? क्या सभी जगहों का एल्टीट्यूड एक जैसा होता है? क्या सभी जगहों पे फ्लोरा एंड फना एक जैसे पाए जाते हैं? क्या सभी जगहों पे सॉइल की जो थिकनेस होती है, सॉइल प्रोफाइल की जो थिकनेस होती है, वो एक जैसी होती है? क्या सभी जगहों पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर ये सब एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, इसीलिए कहना, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि उनके पीछे ये फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स सभी जगहों पर एक जैसे नहीं होते हैं। तो आई होप फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड मेजर। देखिए, मैंने बताया ना, रिसोर्सेज कोई भी रिसोर्सेज हो, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं।
हमें उनको कंजर्व करना ही करना चाहिए। अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, एंड सेकंड थिंग, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज को फेस करना होगा। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कंजर्व ऑल दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो सॉइल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सॉइल भी एक प्रकार का रिसोर्सेज है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है जहां पे हम अपने सारे ग्रेनरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो भी हमारे ग्रेनरी सब्सटेंस होते हैं वो सब कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं? सॉइल्स पे, वो चाहे जो आपके वीट, राइस, पल्सेस वगैरह वगैरह। ठीक, तो आइए फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। Soil erosion and depletion are the major threat to soil as a resources. Soil erosion और क्या कहते हैं, soil erosion बहुत ही main reason है। Soil के degrade होने के पीछे जो सबसे main reason है वो है soil erosion. Okay? अब इसके बाद आगे देखते हैं, both human and natural factor can lead to degradation of soil. Human factors भी और आपका natural factors भी, ये दोनों के दोनों factors आपके soil को degrade करते हैं। आगे देखते हैं कुछ main causes. अगर आपसे सपोज करिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया एक नंबर में, या आपसे कोई पूछ लिया कि लेट मी नो व्हाट आर द एग्जैक्ट और व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के डिग्रेडेशन के पीछे कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, तो हम बताएंगे फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर। सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं डिफॉरेस्टेशन द फर्स्ट वन, सेकेंड वन ओवरग्रेजिंग, थर्ड वन ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, द फोर्थ वन रेन वॉश, एंड द फिफ्थ वन इज लैंडस्लाइड और यू कैन से दैट फ्लड। ठीक, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सॉइल के डिग्रेडेशन के पीछे मेन हैं। ओके, मेन फैक्टर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे। सॉइल इरोजन भी है, सॉइल इरोजन भी इन्हीं में आ जाता है, वो अलग से नहीं है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कुछ मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड जिनसे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। तो देयर आर near about 7 to 8 method which we use to conserve the soils. Okay, and these are, the first one is mulching. What is mulching? Let us know about what is mulching. Okay, mulching जानते हैं, the bare ground between plants is covered within the layer of organic matter called straw. It helps to retain soil moisture. देखिए mulching में क्या होता है कि एक plant होता है, एक organic matter होता है, एक organic plant होता है जिसको straw कहते हैं, हम उसको पूरी तरीके से अपने ground में क्या कहते हैं, उसका seed फेंक देते हैं ताकि वो grow हो जाए, और जब वो उस पर्टिकुलर एरिया में वो आपका स्ट्रॉ, ठीक है, उसको मतलब आई थिंक गांव में या हिंदी में उसे ढेंचा कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, खेतों में क्यों लगाया जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को खेतों में क्यों लगाया जाता है, उनको ग्राउंड्स पे इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को बना के रखें, एक लंबे समय तक सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को बना के रखें। क्यों? अगर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाएगी और वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉइल आपका पूरी तरीके से क्या होगा, डिग्रेड हो गया। तो सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखने के लिए हमें इस प्लांट का, इस ऑर्गेनिक प्लांट की मदद लेते हैं, और इसी पर्टिकुलर पूरे मेथड को, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। ओके, सेकेंड काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर क्या होता है? स्टोन्स, ग्रासेस, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलॉन्ग काउंटर, ट्रेंचेस आर मेड इन अ फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। देखिए ये क्या कहते हैं, काउंटर का मतलब क्या होता है, रेखा। काउंटर का मतलब होता है एक प्रकार की लाइन। ठीक, तो क्या कहते हैं, हम सॉइल को बचाने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं, सॉइल्स के किनारे किनारे सॉइल डिग्रेडेशन बचाने के लिए उस पर स्टोन्स, ग्रासेस, इन सभी चीज़ों से एक क्या कहते हैं, बैरियर जैसा बना देते हैं। हम एक लाइन बनाते हैं, फिर उस लाइन को हम स्टोन से और ग्रासेस से कवर कर देते हैं ताकि अगर वाटर वगैरह आता है तो वो सॉइल को इरोड ना कर पाए। ठीक है, वाटर आपके बैरियर से एक जगह पे कलेक्ट हो जाए, वाटर जो होंगे ट्रेंचेस पे, ठीक है, ढलान जैसे चीज़ों पे, वो क्या होगा कि आपके एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा इन्हीं बैरियर्स की मदद से, और सॉइल इरोजन का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड मेथड आपका है रॉक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water. These prevent gullies and further soil loss. ठीक है, रॉक डैम हम इसलिए बनाते हैं, वो क्या करता है कि आपके वाटर के फ्लो को, वाटर की जो फ्लो की इंटेंसिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, जिससे आपके सॉइल इरोजन का खतरा पूरी तरीके से बच जाता है। ठीक, अब देखिए जब माउंटेनस एरियाज में माउंटेन एरियाज में जब आपके वाटर फ्लो करते हैं डाउनवर्ड, तो वो गली एक क्या कहते हैं, इरोड कर करके गली बना देते हैं, तो उन गली जैसे खतरों को आपका ये रॉक डैम पूरी तरीके से क्या कहता है, कम करता है। ओके, चौथा आपका है टेरेंस फार्मिंग। टेरेंस फार्मिंग जानते हैं क्या होता है, टेरेस फार्मिंग, सॉरी, दीज आर द मेड अप ऑफ स्टीप स्लोप सो दैट
so that flat surface are available to grow crops, they can reduce सरफेस ऑफ एंड सॉइल इरोजन. देखिए जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे आप लोग कभी दार्जिलिंग वगैरह अगर घूमने गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा चाय वगैरह की खेती कैसे की जाती है. तो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टेरेस फार्मिंग. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हिली एरियाज में जब आपके सपोज करिए रेनफॉल हुआ, अब रेनफॉल होने के बाद वो आपके हिली एरिया से पानी नीचे की ओर बह के आ रहा है तो वो लार्ज अमाउंट में अपर लेयर ऑफ सॉइल को इरोड करके ले आएगा, नीचे डिपॉजिट कर देगा, जिससे क्या कहते हैं पूरी तरीके से सॉइल इरोजन होगा और कोई भी फार्मर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा. तो ऐसी जगह पे टेरेस फार्मिंग की जाती है. वो लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरियाज को लेडर के शेप में कट कर देते हैं. किसके शेप में? लेडर के शेप में, लाइक सीढ़ी. सीढ़ी की तरह वो लोग उस पर्टिकुलर पूरे हिल एरियाज को बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर पानी अब बरसेगा और नीचे बह के आएगा भी तो उसकी जो फ्लो होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या कहते हैं सॉइल इरोजन नहीं होगा और फार्मर्स पूरी तरीके से अपना प्रोडक्शन कवर कर सकेंगे. ठीक, तो ये टेरेस फार्मिंग था. अब इंटरक्रॉपिंग करते हैं. इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग देखिए बहुत अच्छी बात है. इंटरक्रॉपिंग में हम क्या कहते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर क्रॉप्स को आपस में मिला देते हैं. बहुत सारे क्रॉप्स को हम मिलाकर क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल के इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं. जब क्या कहते हैं इंटरक्रॉपिंग की जाती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और वो फिर डिफरेंट तरीके से आपके सॉइल्स को होल्ड करती हैं, सॉइल के होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, जिससे सॉइल इरोजन का जो खतरा होता है, रेन वॉश का जो खतरा होता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. ओके, अब देखिए काउंटर प्लगिंग क्या है. काउंटर प्लगिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं हिली एरियाज में नेचुरल बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं प्लगिंग का वर्क करते हैं. पैरेलल तरीके से हम क्या कहते हैं हिली एरियाज में खेती बाड़ी का प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, जिससे वाटर का फ्लो कम हो जाए और आपके जो स्लोप्स हैं, ठीक है, वाटर का फ्लो आपके कम हो जाए और स्लोपी एरियाज में इरोजन का खतरा पूरी तरीके से कम हो जाए. ठीक, देखिए इसका फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपके काउंटर प्लगिंग. इसमें क्या कहते हैं कि हिली एरियाज में एक पैरेलल पैटर्न बना देते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं. ठीक है, एक बार आप लोग फिर से फोकस करिएगा. काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है कि हिली एरियाज में जो भी फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स क्या करते हैं कि एक पैरेलल पूरे हिली एरियाज में एक पैरेलल पैटर्न बना देते हैं और फिर उस पैरेलल पैटर्न पे वो लोग प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपका वाटर ऊपर से बह के नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली कम होगी, जिससे क्या कहते हैं आपके इरोजन का खतरा पूरी तरीके से कम हो जाएगा. ठीक, और काउंटर प्लगिंग को एक प्रकार का नेचुरल बैरियर भी कहा जाता है. ठीक, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज का जो लास्ट टॉपिक है वो है शेल्टर बेल्ट, इसे कवर कर लेते हैं. ठीक, फोकस करिएगा आप लोग. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर. ठीक, देखिए सॉइल इरोजन के दो मोस्ट एजेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं, पहला होता है वाटर, दूसरा होता है विंड. ज़्यादातर सॉइल इरोजन आपके होते हैं वाटर से और उसके बाद बहुत कम मात्रा में आपके सॉइल इरोजन होते हैं विंड से. लेकिन जिन एरियाज में विंड से सॉइल इरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं हम लार्ज एरिया में एक लंबी दूरी तक ढेर सारे प्लांट्स लगा देते हैं. इससे क्या होता है कि जब वो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो वो सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल्स को होल्ड करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस उन एरियाज में पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं. ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. और हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसको आपको अलग से समझा सकूँ. ओके.